तो हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आप लोगों के लिए और एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के एंड्रॉइड का एक सेटिंग्स दिखाने वाला हूँ जो आप लोगों को हेल्पफुल होने वाला है। तो फ्रेंड्स, ये हाइडन सेटिंग्स है, बहुत सारे लोगों को पता है और किसी को पता नहीं है, तो इसलिए मैं इस वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। अगर आप लोग नहीं जानते तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोगों को बता दूँ वो है स्क्रीन पिनिंग। तो वो मैं आप लोगों को सबसे पहले दिखा देना चाहता हूँ वो कैसे यूज़ करें। सबसे पहले मैं यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मोबाइल का एक टास्क बटन होता है, उसके लिए यहाँ पर नीचे आप लोगों को टास्क बटन पर क्लिक करना पड़ता है। तो जैसे मैंने टास्क बटन पर क्लिक कर दिया, बहुत सारे टास्क दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को एक टास्क पर एक पिन देखने को मिल रहा है। तो जैसे मैं इस पिन पर क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पर गॉट इट पर क्लिक कर देता हूँ, और फिर मैं जैसे यहाँ पर बैक जाना चाहता हूँ तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ से बैक नहीं होता है, मतलब स्क्रीन जो है वो पिन हो गया है। जितना भी मैंने कोशिश करूँगा यहाँ से इस स्क्रीन को मैं बैक नहीं जा पाऊँगा। तो इसको बैक जाने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ आप लोगों को इस जो टास्क बटन होता है और बैक बटन होता है वो दोनों आप लोगों को एक साथ प्रेस करना है। तो इस तरह का आपको दोनों एक साथ प्रेस करेंगे तो ये डायरेक्ट लॉक हो जाएगा। तो आप लोग मोबाइल को अनलॉक करेंगे, वो जो सेटिंग है वो बंद हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को इसको करने के लिए क्या क्या प्रोसेस फॉलो करना है मैं दिखाऊंगा। देखिए फ्रेंड्स, इससे क्या आप लोग क्या कर सकते हैं, अगर किसी ने आपका मोबाइल लेना चाहते हैं तो वो या तो यूट्यूब यूज़ करना चाहते हैं या कुछ भी यूज़ करना चाहते हैं, जस्ट आप लोग उसको पिन करके दे सकते हैं, वही यूज़ कर पाएंगे जो आप लोग ओपन करके उसको देंगे स्क्रीन को पिन करके। उसके अलावा वो और किसी कोई भी ओपन नहीं कर पाएगा। तो इसी तरीके से आप लोग किसी को स्क्रीन को पिन करके मोबाइल को दे सकते हो, वही यूज़ करेगा, बट उससे अलावा वो दूसरा सेटिंग यूज़ नहीं कर पाएगा। तो इसको सेटिंग करने के लिए, इस सेटिंग करने के लिए आपको जाना है सबसे पहले सेटिंग्स पे मोबाइल के। तो मोबाइल के सेटिंग्स पे जाने के बाद आप लोगों को यहाँ पर आपको सिक्योरिटी का एक ऑप्शन मिल जाएगा। तो सिक्योरिटी एंड लोकेशन दिखा रहे हैं इस पर, तो हर किसी मोबाइल में अलग अलग हो सकता है, लेकिन आप लोगों को जाना है सिक्योरिटी ऑप्शन पर। यहाँ पर आप लोगों को लास्ट में एक ऑप्शन मिल जाएगा स्क्रीन पिनिंग, इसके ऊपर क्लिक करना है। आप लोगों के मोबाइल में ये बंद रहेगा तो आपको इसको इनेबल करना है, दोनों सेटिंग आप लोगों को इनेबल कर देना है। तो इनेबल करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, जो स्क्रीन आप लोगों को पिन करना है उस स्क्रीन पर आप लोगों को इस पिन वाले ऑप्शन को आपको इनेबल कर देना है। तो जैसे ही इनेबल करेंगे, जो भी आप लोग स्क्रीन को पिन किया वो यहाँ पर दिखाई देगा, अगर बैक जाना चाहते तो बैक नहीं जा पाएगा, आगे सब कुछ होगा लेकिन बैक नहीं होगा। इसको बैक करने के लिए आप लोगों को टैक्स बटन एंड बैक बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो लॉक हो जाएगा। तो आप लोग अनलॉक करेंगे, मोबाइल पहले जैसा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मुझे इस वीडियो में आप लोगों को यही सेटिंग दिखाना था। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।